नमस्कार दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है, मरने से पहले हर इंसान को दिखाई देते हैं यह 10 संकेत। तो वह क्या है 10 संकेत? गरुड़ पुराण में ऐसे कुछ संकेतों के बारे में बताया गया है, जिन्हें यदि हम जान ले तो हमें इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी मृत्यु निकट है। पृथ्वी पर जन्मा हरजीत जीवन और मृत्यु के चक्र में फंसा हुआ है। जिस प्रकार जन्म सत्य है, उसी तरह मृत्यु भी एक शाश्वत सत्य है। हर व्यक्ति जीवन के इस कटु सत्य को जानता है, इसके बावजूद मृत्यु को लेकर भयभीत रहता है। गरुड़ पुराण में ऐसे कुछ संकेतों के बारे में बताया गया है। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम आज पुनर्जन्म के बारे में भी जानेंगे, जिन्हें यदि हम जान ले तो हमें इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी मृत्यु निकट है। आज हम आपको बताएंगे ऐसे कुछ संकेत, जिन्हें देखकर आपको इस बात का पता चल पाएगा। नंबर एक, गरुड़ पुराण के अनुसार जब इंसान की मौत पास आती है तो उनकी परछाई उसका साथ छोड़ देती है। तेल और पानी में यदि आपकी परछाई देखनी बंद हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि अब अंतिम समय निकट है। नंबर दो, जब इंसान की मौत पास आती है तो उसे लगता है कि उसके पिता आसपास हैं। नंबर तीन, जब इंसान की मौत पास आती है तो उसे हर समय अपने शरीर से एक अजीब सी महक आती है। नंबर चार, जब इंसान की मौत पास आती है तो शीशा देखने पर उसे अपने चेहरे की जगह किसी और का चेहरा दिखाई पड़ता है। नंबर पाँच, जब इंसान की मौत पास आती है तो जब वह चंद्रमा को देखता है तो उसमें विघटन दिखाई देता है। जब ऐसा होता है तो समझ लेना चाहिए कि अब अंतिम समय निकट है। दोस्तों, हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। नंबर छह, जब इंसान की मौत पास आती है तो उसका शरीर पीला और हल्का लाल दिखने लगे तो समझ लेना चाहिए कि मौत पास ही है। नंबर सात, जब इंसान की मीत पास आती है तो उसे सूर्य और चंद्रमा की रोशनी दिखाई देनी बंद हो जाती है। नंबर आठ, जब इंसान की मौत पास आती है तो उसकी जुबान थोड़ी आने लगती है और नाक और मुंह थोड़े कठोर हो जाते हैं। नंबर नौ, जब इंसान की मौत पास आती है तो उसकी आँखें इतनी ज्यादा कमजोर हो जाती हैं कि उसे अपने बेहद करीब बैठे लोग भी नहीं नजर आते हैं। नंबर दस, जिस इंसान ने जीवन में सत्कर्म किए हैं, यदि उसकी मौत पास आती है तो उसे एक दिव्य रोशनी की अनुभूति होती है। ऐसा व्यक्ति मृत्यु से नहीं घबराता है। दोस्तों, अब जान लेते हैं पुनर्जन्म परलोक में रहने की अवधि के पहले भाग में विश्राम, दूसरे में स्वर्ग नरक होते हैं, तीसरा भाग पुनर्जन्म की तैयारी में व्यतीत होता है। स्वर्ग नरक भोगने के बाद आगामी जन्म के लिए जीव को विशेष प्रोत्साहन मिलता है। नरक भोगने वालों के साधारण पाप तो प्रायः नष्ट हो जाते हैं, किंतु आदतें शेष रह जाती हैं। इन आदतों को आध्यात्मिक भाषा में संस्कार के नाम से पुकारा जाता है। ये आदतें तब तक नहीं छूटती जब तक कि जीव उन्हें ज्ञानपूर्वक पहचानकर छुड़ाने का वास्तविक प्रयत्न न करे। बंधन के कारण यही संस्कार हैं। जीव स्वतंत्र है, वह अपनी इच्छानुसार संस्कार बनाता है और उन्हीं में जकड़ा रहता है। यह माया और कुछ नहीं, अज्ञान का एक पर्यायवाची शब्द है। जिस परिवार में जन्म लेना जीव पसंद कर लेता है, उसके आसपास मंडराने लगता है, अवसर की प्रतीक्षा करता है। जब किसी के पेट में गर्भ की स्थापना होती है तो वह उसमें अपनी सत्ता को प्रवेश करता है और 9 मास गर्भ में रहकर संसार में प्रकट हो जाता है। कई तत्वज्ञों का मत है कि वह गर्भ पर अपनी सत्ता जमाता है और पूरी तरह शरीर में तब प्रवृत्त होता है जब बालक पेट से बाहर आ जाता है। हमारा मत है कि संभोग के समय रजवीर्य का सम्मिलन होकर यदि गर्भ कलल बन जाए तो उसमें कुछ ही क्षण उपरांत जीव अपना अधिकार कर लेता है और गर्भ में रहने लगता है। यह समझना ठीक नहीं कि गर्भ में बालक को बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि उस समय तक गर्भ का मस्तिष्क और इंद्रियां अविकसित होने के कारण जीव को पूरी तरह बंधित नहीं करते और जीव का कुछ भी विशेष बंधन नहीं होता। वह उदर में घोंसला रखता है,
पर अपनी चेतना से चारों ओर परिभ्रमण कर सकता है। जन्म लेने के कुछ ही समय पूर्व जब गर्भ की इंद्रियां पूर्णतः परिपक्व हो जाती हैं, तो जीव की स्वतंत्रता नष्ट हो जाती है, तब वह तुरंत ही बाहर निकलने का प्रयत्न करता है। इसी समय को प्रसवकाल कहा जाता है। कुछ जीव किन्हीं खास दुष्ट आदतों में बुरी तरह प्रवृत्त हो जाते हैं, वे किन्हीं इंद्रियों का बार बार दुरुपयोग करते हैं, हर बार उन्हें नरक भोगना पड़ता है, पर वे आदत से इतने मजबूर होते हैं कि दंड भोग कर उसे भुला देते हैं और फिर उसी आदत का अनुसरण करने लगते हैं। ऐसे जीवों की वे इंद्रियां कुछ जन्मों के लिए छीन ली जाती हैं, जैसे मध्य प्रांत के मंत्री में खैर को कांग्रेस की सदस्यता से 5 साल के वंचित कर दिया गया था, या जैसे बंदूक का दुरुपयोग करने वालों से सरकार लाइसेंस जब्त कर लेती है। इसी प्रकार अदृश्य सत्ता यह आवश्यक समझती है कि इसकी अमुक इंद्रियों को जब्त कर लिया जाए, ताकि वह आदत अगले जन्म में छूट जाए। जन्म से गूंगे, बहरे, अंधे, अपाहिज, नपुंसक वे होते हैं जिनने अपनी उन इंद्रियों को अनुचित रीति से उपयोग करने की आदत डाल ली होती है, फिर भी यह भोग योनि नहीं है। जीवात्मा उनका भी जागृत होता है और वे चाहें तो इच्छानुसार अंधकार से प्रकाश की ओर चलने के लिए स्वतंत्र हैं। कुछ मनुष्य इतने दुष्ट होते हैं कि वे जीवन भर अपनी सारी इंद्रियों का दुरुपयोग ही दुरुपयोग करते हैं। उन्हें जड़ योनियों में जाना पड़ता है। वृक्षादि में जन्म लेना भोग योनि है, उनमें जीव तो रहता है, पर क्रियाशील चेतना का अधिकांश भाग जब्त कर लिया जाता है। इन भोग योनियों में जन्म प्राप्त होना प्रभु की ही कृपा का चिन्ह है, क्योंकि बिना जड़ योनि मिले उन दुष्ट संस्कारों को भुला सकना उस अज्ञानी के लिए कठिन है। जब तक कि वह पुरानी बुरी आदतों को भूल नहीं जाता, अब उसकी उन्नति का क्रम यही से आरंभ होता है। वृक्ष के बाद कीड़े मकोड़े, फिर पशु पक्षियों की योनियां धीरे धीरे पार करता है, क्रमशः अधिक ज्ञान वाली योनि को अपनाता जाता है। डार्विन के उस मत को हम झूठा नहीं बताते, जिसके अनुसार वह कहता है कि एक छोटे से कीड़े से बढ़ते बढ़ते जीव पशु पक्षियों की योनि धारण करता हुआ मनुष्य बनता है। हिंदू धर्म शास्त्र इन योनियों की संख्या 84 लाख मानती है। भौतिक विज्ञानी उनकी संख्या इससे भी अधिक बताते हैं। जो हो, यह निश्चित है कि दुष्ट कर्म करने वाले, अपनी इंद्रियों को बार बार अनुचित रीति से प्रयोग करने वाले जड़ योनियों में जन्म लेते हैं और फिर वहां से उन्नति करते करते मनुष्य शरीर प्राप्त करने में हजारों लाखों शरीर बदलने पड़ते हैं। किसी योनि में उन्नति क्रम रुक गया तो वह योनि एक से अधिक बार भी ग्रहण करनी पड़ती है। जड़ योनियों में जाने का दंड प्रायः उन्हीं जीवों को दिया जाता है जो अत्यंत दुष्ट होते हैं और अपनी क्रियाशीलता को पतनोमुखी कर लेते हैं। साधारण पुण्य पाप करते रहने वालों को दूसरी बार भी मनुष्य जन्म मिलता है, क्योंकि लाखों योनियों में भ्रमण करके उसने जो इतना ज्ञान संपादन किया है, वह इतना उपेक्षणीय नहीं है कि जरा सी बात पर करोड़ों वर्षों तक भटकने के लिए उसी चक्कर में फिर पटक दिया जाए। मनुष्यों को बार बार यह अवसर दिया जाता है कि अपने अंतिम उद्देश्य परमपद को पाए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपका क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं।